आज इस वीडियो में अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप लोगों ने जो है टोकन टैक्स पे करना है अपनी गाड़ी की। तो सपोज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने जो है पंजाब की जो कार होती है उसकी पेमेंट किस तरह करनी है आपने। तो बहुत आसान सा तरीका है, इस मेथड को आप आसानी से समझ सकते हैं। पहले जाके प्ले स्टोर में जाना है, ठीक है। प्ले स्टोर में जाके ई पे पंजाब ये वाला ऐप आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। जब डाउनलोड कर लो तो इसको ओपन कर देना है, ठीक है। जब इसको आप ओपन कर देते हो, इसके अंदर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। जब अकाउंट क्रिएट हो जाए तो ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। तो इसके बाद जो है आपने एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, जो कि मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ, ये वाला एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसको आपने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद ये सबसे पहला ऑप्शन है टोकन टैक्स पेमेंट का, ये वाला, इस पर क्लिक करना है। इसके अंदर अपनी व्हीकल की जो गाड़ी का जो नंबर होता है उसको आपने लिख देना है, LZM, इसके बाद है 858, ठीक है। स्पेस मस्ट देना है, ये इसका मेथड है। और अगर चार हिंसों का नंबर हो तो फिर इसके साथ एक्स्ट्रा 4 डाल देना है, जो भी हो। मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ये देखें, ये अभी जो है एक ओनर है इसका फारूक अहमद और मलिक जमील अहमद, और ये पाक हीरो गाड़ी है इसकी। इसका जो है ऑलरेडी टोकन पेड है, ठीक है। नीचे देखें, मैं आपको देख देता हूँ, एक मिनट मैं आपको दूसरी गाड़ी दिखा देता हूँ। 6 खालिद महमूद, अब इसका देख लें, इसका 5100 का जो है टोकन मतलब इसका चलान है। ये देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने जब ये नंबर इंटर कर दिया तो ये देखिए, यहाँ पे अभी आपने अपना नाम वेरीफाई कर देना है, इधर वालिद साहब का नाम वेरीफाई कर देना है, देख लेना है कि आपकी अपनी गाड़ी है उसका जो है होंडा वगैरह या टोयोटा जो भी है, फिर आप उसका देख लें कि कब तक आपने उसका टैक्स पेमेंट किया। ये 2023 तक हो चुका है, देखें, सही है। तो आपने इसको जो है इसकी टैक्स टोकन पेमेंट करनी है। नीचे जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपने ये पेमेंट करनी है 5100 की, ठीक है, जो कि असल में मोटर व्हीकल टैक्स आपका 6000 का है। इस पर आपके साथ कुछ पैसे जो है -6 ये रिबेट है और कुछ जो है ये डिस्काउंट है, तो कुल 5100 आपके बन जाते हैं जब डिस्काउंट वगैरह निकाल दिया जाता है। तो इसके बाद पेमेंट का बहुत आसान सा तरीका है, जनरेट चालान नीचे जो लिखा हुआ है ये देखें, ये जनरेट, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको कहते हैं कि आपने कंफर्म करना है कि ये आपने वो कर देना है, आप कंफर्म कर दें, ठीक है, सही है। जब कंफर्म कर दे तो आपको एक पर्सनल जो सिक्योर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो जनरेट हो जाता है। देखें, ये देखिए मुझे आ गया कि आपका PSID इसके अगेंस्ट आपने पेमेंट करनी है। मतलब ये PSID जो है ये आप किसी भी वन लिंक, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये PSID का नंबर जनरेट हो चुका है। इसको कहीं पे भी ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, वन लिंक का जो भी ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू है इसकी थ्रू पेमेंट हो सकती है। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह हो जाता है। इसको पहले आपने कॉपी कर देना है, ये देखिए यहाँ पे कॉपी का निशान है, ये देखें, ये आपने इसको कॉपी करना है यहाँ से, ये देखिए कॉपी हो गया है, देखिए यहाँ पर मैंशन हो गया कि कॉपी हो चुका है। मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ठीक है। तो
तो फिर इसके बाद पहले तो आप इसको पेमेंट कर सकते हैं, एक बैंक के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन उसको छोड़ दें। ये देखिए ज़िंदगी जो JS बैंक का सिस्टम है, इनके थ्रू डायरेक्ट पेमेंट भी हो सकता है, लेकिन इसको छोड़ दें, JS कैश के थ्रू हमने पेमेंट करनी है, ठीक है। अभी चूँकि मैंने PSID कॉपी की हुई है, अभी मैंने नीचे जाके अपना JS कैश का अकाउंट खोल देना है। JS कैश के थ्रू जो है काफ़ी आसानी से हो जाता है, ठीक है। ये देखें, अभी यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, मैंने यहाँ पे ये यहाँ पे खोल दिया। सर्च के ऑप्शन में मैंने लिख दिया, ये देखें, ये सर्च है PUNJAB पंजाब ट्रैफिक चालान। ये देखें पंजाब ट्रैफिक चालान, मैंने पंजाब थोड़ा सा लिख दिया सर्च के अंदर, सर्च बॉटम में, ठीक है, बॉटम में यहाँ पे सर्च है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आपने सर्च के अंदर पंजाब ट्रैफिक चालान लिख दिया। तो अब यहाँ पे जाके पंजाब ट्रैफिक चालान को क्लिक कर दें, यहाँ पे अपना जो 16 हिंसों का PSID है वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। जब वहाँ पे तो कंटिन्यू कर देना है, तो आपका जो 5100 वाला पेमेंट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो हो जाता है, शो हो जाता है। तो यहाँ से आप इसको कंफर्म कर देना है, क्योंकि मेरे साथ बैलेंस पूरा नहीं है, मैं नहीं कर सकता, यहाँ पे इसको आपने कंफर्म कर देना है। और आपके JS कैश का जो वॉलेट है यहाँ से आपसे कटिंग हो जाएगी 5100 की, और आपका बैलेंस चला जाएगा पंजाब ट्रैफिक चालान को। ये जो है ये इनका अपना ही सिस्टम है, ये गाड़ी का जो जितना भी पंजाब की गाड़ियों की पेमेंट करनी है तो वो आपने पंजाब ट्रैफिक चालान को ही करनी है, इनको ही करनी है, ठीक है। तो आज की इतनी ही वीडियो थी, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, हम बताएंगे किस तरह इस्लामाबाद वाले जितनी भी इस्लामाबाद की गाड़ियां हैं उनकी किस तरह पेमेंट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।